छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पर दुर्ग जिले की गंज मंडी में राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दूं कि इस मौके पर जिला स्कूल विभाग ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल में शासकीय आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने एक प्रोटोटाइप डिवाइस का मॉडल तैयार प्रदर्शित किया। इस डिवाइस में आने वाले समय में कम से कम लागत में तैयार करके बाजारों में उपलब्ध किया जाएगा। इससे पेट्रोल पंप समेत लिक्विड सामानों से होने वाली स्कैम को रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दुर्ग जिले के गंज मंडी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला स्कूल विभाग ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल में शासकीय आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने एक प्रोटोटाइप डिवाइस का मॉडल तैयार कर प्रदर्शित किया। इस डिवाइस को आने वाले समय में कम से कम लागत में तैयार करके बाजारों में उपलब्ध किया जाएगा, जिससे पेट्रोल पंप समेत लिक्विड सामानों में होने वाले स्कैम को रोका जा सकेगा। दुर्ग जिले में 22वें राज्योत्सव के अवसर पर ग्राम घुगवा पाटन ब्लॉक के तहत कुछ बच्चे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक मॉडल प्रदर्शित किया है। जिन्होंने इस मॉडल के तहत ये कहने की बात कही है कि जिस तरीके से आम जनमानस टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज करता है, उनके द्वारा फ्रॉड किया जाता है। कभी कम पेट्रोल मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कई बार होता है कि आधे से भी कम मिलता है। इन सब चीजों को रोकने वाले पेट्रोल स्कैम के लिए डिवाइस इन बच्चों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि निकट भविष्य में आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध होगा। कैसे इन्होंने काम किया और कैसे इसकी इन्होंने पूरी तैयारी की, इसको लेकर के हर खबर के संवाददाता ने इन बच्चों से खास बातचीत की। मैम, इसमें मैम आर्डिनरी यूनिट का प्रयोग किया गया है, मेल फीमेल बैलेंस का, और मैम इसमें एक कंट्रोल भी लगा गया है। मैम, इसमें क्या है, जब हम पेट्रोल पंप के नीचे जो है डिवाइस फिट करेंगे, उसमें जब अगला बंदा जब पेट्रोल डालेगा तो उसमें पता चल जाएगा, वो आपकी जो सामने जो रहता है ना मीटर, जो डिजिटल स्क्रीन, उसमें बताएगा कि असल में आपके पेट्रोल में कितना पेट्रोल डालेगा। मैम, तो असल में वो बताएगा कि आपके पेट्रोल, आपके जो टंकी में वो कितना पेट्रोल जा रहा है, इसलिए बनाएगा। उससे हमें ये फायदा होगा कि हम जितना भी हमारे जितना भी पेट्रोल या जितना भी लिक्विड फॉर्म में जितना भी मटेरियल है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सब हमारे जैसे जितना पेट्रोल टैंक में जाएगा वो हमारे डिजिटल स्क्रीन में शो होगा। ये वैसे तो इसको सोचने के लिए हमारा आइडिया आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको बनने में हम लोगों को 2-3 महीनों का वक्त। मैंने उनको कहा कि 200 का पेट्रोल डालना है, तो वो लोग 200 का डाले हैं करके वो मुझे मीटर में दिखता है, पर एग्जैक्टली मेरे टैंक में कितना गया है वो मुझे नहीं पता। तो हर बार मैं ये सोचती थी कि कुछ ऐसा हो, बट बच्चों ने यही कॉन्सेप्ट सोचा, उन्होंने उसको रेडी किया कि अब हमें वो मीटर ये बता देगा कि अगर उन्होंने 2 लीटर मेरे बाइक में डाला है तो एग्जैक्ट 2 लीटर गया है या नहीं। तो एक मीटर हमारे टैंक में भी रहेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमारे सामने वो प्रदर्शित करेगा कि अगर 1.2 लीटर गया तो 1.2 लीटर ही गया। इससे वो लोग स्कैम जो करते हैं पेट्रोल पंप वाले या कोई भी लिक्विड चीज हम लेते हैं तो उसमें जो स्कैम होता है वो स्कैम से हम बच सकते हैं। तो ये थे ग्राम घुगवा पाटन तहसील के तहत दुर्ग जिले के बच्चे, जिन्होंने यहाँ राज्योत्सव में अपने एक डिवाइस का प्रदर्शन किया है, जिसका ये प्रदर्शन कलेक्टर से लेकर के स्थानीय विधायक द्वारा देखा गया, जिसकी सराहना की गई है। जो डिवाइस बनाया गया है पेट्रोल पंपों में होने वाली स्कैम को रोकने के लिए बनाया गया, जो कि आम जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी चीज बनेगी, जिसका आने वाले समय में बाजारों में भी इसका एक वर्क देखने को मिलेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत जरूर सफल होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। दुर्ग से हर खबर के लिए मैं संध्या।